दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ गया है। गर्मी के मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पीना चाहिए, नहीं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं गोंद कतीरा सिकंजी की रेसिपी। इस वीडियो में हम और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, जैसे गोंद कतीरा होता क्या है, इसे हम किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, गोंद कतीरा सिकंजी बनाने की रेसिपी क्या है और गोंद के अनेकों फायदे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि आखिर गोंद कतीरा होता क्या है। गोंद पेड़ों से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ या रस होता है। यह बबूल, कीकर, आम, नीम और भी कई पेड़ों से निकाला जाता है। यह भारत के उत्तरी भाग जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बड़ी आसानी से मिल जाता है। हर पेड़ की गोंद अलग होती है, जिनके अलग अलग फायदे भी होते हैं। जैसे नीम की गोंद का प्रयोग खून साफ करने के लिए किया जाता है और आम की गोंद का प्रयोग फोड़े और फुंसियों में होता है, लेकिन बबूल और कीकर की गोंद सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि इसके फायदे अनेक होते हैं। रसोई में पाए जाने वाली हींग भी एक प्रकार की गोंद ही है। गोंद और गोंद कतीरा में अंतर। गोंद और गोंद कतीरा दोनों पेड़ों से निकलने वाले रस ही हैं, बस फर्क है इन दोनों की तासीर का। जहां गोंद की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है, वहीं गोंद कतीरे की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल गर्मियों में होता है। दोनों को पहचानने का एक बेहद आसान तरीका है। थोड़ी देर तक पानी में रखने के बाद जहां गोंद पानी में पूरी तरह घुल जाती है, वहीं गोंद कतीरा घिसी हुई बर्फ या जल जैसा दिखने लगता है। इसका अपना कोई रंग, सुगंध और स्वाद नहीं होता। कई बार तो इसे भी सिर्फ गोंद नाम से ही जाना जाता है। गोंद का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जाता है। गोंद में अनेक पोषण तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता है, जैसे नींबू पानी, छाछ, सत्तू या चटनी में। इसमें गोंद कतीरे का इस्तेमाल पानी में कुछ देर भिगोने के बाद किया जाता है, और इसका इस्तेमाल मिठाई बनाने में, सर्दियों में लड्डू या पंजीरी बनाने में भी किया जाता है। इसमें गोंद का इस्तेमाल घी में तलकर किया जाता है। क्योंकि गोंद का अपना कोई रंग, स्वाद और खुशबू नहीं होती, इसलिए आप इसे जिस चीज़ में भी डालें उसका स्वाद और रूप नहीं बदलता, और आपको गोंद के सभी पोषण तत्व भी मिल जाते हैं। गोंद कतीरा सिकंजी। गोंद कतीरे की सिकंजी बनाने के लिए हमें चाहिए गोंद कतीरा, नींबू, काला नमक, मिश्री, काली मिर्च और पानी। गोंद कतीरे को हमें रात भर पानी में भिगोकर रखना है, जिससे वो कुछ जैली जैसा हो जाएगा। अब एक बर्तन में पिसी हुई काली मिर्च, काला नमक और मिश्री डालें। उसके बाद एक नींबू निचोड़े और पानी में गोंद कतीरा डालकर अच्छे से मिलाएं। आपकी गोंद कतीरा सिकंजी तैयार है। यह मिनटों में बनी सिकंजी आपको केवल ठंडक ही नहीं देगी, बल्कि इसके और भी अनेकों फायदे हैं। तो आइए जानते हैं उन फायदों के बारे में। गोंद के फायदे। वैसे तो गोंद के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन हम आपको उनमें से कुछ फायदे ही बताने वाले हैं। जैसे गर्मियों में डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होने से बचाती है, आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है, हड्डियों की कमजोरी को दूर करती है, सर्दी जुकाम में लाभदायक होती है, आपकी इम्यूनिटी बीमारी से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती है, आपके पाचन तंत्र को चुस्त रखती है, गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद होती है, और इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिससे आप जल्दी बूढ़े नहीं दिखते। वैसे तो बाजार में गर्मियों के सीजन में हमारे पास ड्रिंक्स के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, पर महंगे होने के बावजूद उनमें कोई पोषण तत्व नहीं होते, जबकि घर पर बने हुए ड्रिंक्स फ्रेश होने के साथ साथ हेल्दी भी होते हैं। गोंद कतीरा सिकंजी भी ऐसा ही एक ड्रिंक है, तो आप इसे अपने घर पर जरूर बनाकर पिएं और दूसरों को भी पिलाएं। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।